वक्त पूरे देश से करीब 150 जगहों से तथा करीब 1 लाख स्टूडेंट्स हमसे डिजिटली जुड़ चुके हैं और इस वक्त तक 2,35,00,000 स्टूडेंट्स सोशल मीडिया के जरिए हमसे कनेक्टेड हैं। जम्मू एवं कश्मीर से भी कई जगहों से हम इस वक्त कनेक्टेड हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, कुछ स्टूडेंट्स आपसे बात करने की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, आपसे निवेदन है कि उनसे मुखातिब हों। Dear Honorable Prime Minister, I am K. Deepika, pursuing BA Journalism final year from Government Degree College for Women, Begumpet, Hyderabad, Telangana. Sir, we have seen many initiatives for education in the last 5 years. Are you satisfied with your efforts in education sector? Thank you for giving me this opportunity. हमने पिछले 5 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में कई नए इनिशिएटिव्स देखे हैं। क्या आप एजुकेशन सेक्टर में आपके प्रयासों से संतुष्ट हैं? माननीय, कृपया बताएं। मैं आपका आभारी हूं इस सवाल के लिए। और देश भर में करीब 2.5 करोड़ युवकों के साथ मुझे अब बातचीत करने का मौका मिला है, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। एक ही चीज को दो तरीके से देखा जा सकता है। जहां तक प्रयास का सवाल है, मुझे इस बात का संतोष है कि हम सही दिशा में हैं। हम निश्चित टाइम टेबल के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया में शिक्षा की जो मानदंड बने हैं उस ग्लोबल स्टैंडर्ड को हम अचीव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के उन सब नौजवानों को ये अवसर मिलना चाहिए, अगर वो जिंदगी में शिक्षा के जिस क्षेत्र में जाना चाहता है। सरकार का एक काम है कि उन व्यवस्थाओं को विकसित करें। आधुनिक भारत के लिए जिस प्रकार की इंस्टीट्यूशंस की रचना होनी चाहिए उसको हम बल दे रहे हैं। IIT हो, IIM हो, IIIT हो, उसके विस्तार के लिए बहुत तेजी से काम चल रहा है। उसी प्रकार से स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिस पर हम बल दे रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारे देश के नौजवान आज बहुत बड़ी मात्रा में शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते हैं। अरबों खरबों रुपया हमारा विदेश चला जाता है। हम ऐसी शिक्षा संस्थाओं का निर्माण करें जिससे हमारे देश के लोग बाहर जाएं, उसके बजाय दुनिया के देश के लोग भारत में आएं। इस सपने को लेकर के मैं काम कर रहा हूं। जहां तक दिशा का सवाल है, मैं बहुत ही संतुष्ट हूं। 4.5 साल के इतने कम कार्यकाल में जितना काम हुआ है, मैं क्या कोई भी संतुष्ट होगा? लेकिन मैं संतोष अपनी पीठ थपथपाने के लिए कभी करता नहीं हूं। मेरा संतोष का मतलब है नए सपनों को जन्म देना। मेरे संतोष का मतलब होता है नए लक्ष्य तय करना। मेरे संतोष का मतलब होता है उन लक्ष्यों को पार करने के लिए फिर एक बार चल पड़ना। और इसलिए संतोष सोने के लिए नहीं है, संतोष नए सपनों को साकार करने के लिए है। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय, अब हम देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र असम से जुड़ रहे हैं, जहां कॉटन यूनिवर्सिटी के अनामित्रा मेहंता आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। Dear Honorable Prime Minister, I am Anamitra Mohanta from Assam. Sir, we are seeing many uses of Digital India in our day-to-day lives, including education. How do you see its impact on our country and all people? That concludes my question. Thank you. Sir, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम Digital India के कई उपयोगों को देख रहे हैं, जिसमें शिक्षा भी शामिल है। आज हमारे देश और यहाँ के लोगों में इसकी वजह से क्या बदलाव आप देख रहे हैं? माननीय, कृपया बताएं। देखिए, मानव निरंतर विकास करता रहा है। टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स रहा है।
नए नए इनोवेशंस ने मानव जीवन को लगातार बदला है, लेकिन आज से 40 साल पहले जिस रफ्तार से दुनिया बदली, इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ने दुनिया को पिछले 200-300 साल में बदलते बदलते जहां लाकर के खड़ा कर दिया था, पिछले 40-50 साल में टेक्नोलॉजी ने एक ऐसा जंप लगाया है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर पिछले 200-300-400 साल की तुलना में देखें तो इन 40-50 साल एक क्वांटम जंप है, नए डायमेंशंस हैं। और वो स्पेस हो, समुद्री तह की बात हो, धरातल की बात हो, और डिजिटल वर्ल्ड ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब आज मैं आपसे इतना आराम से बात कर पा रहा हूं, मैं श्रीनगर में बैठा हूं और श्रीनगर से मैं हिंदुस्तान के हर कोने में 2.5 करोड़ नौजवानों से शिक्षा के संबंध में बात कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा प्रभाव है। अभी आपने देखा बांदीपुरा में एक बीपीओ का उद्घाटन हुआ और पहला बीपीओ, अब ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है। डिजिटल रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा फायदा, अब आप देखिए हमारा आधार एक प्रकार से डिजिटल रिवॉल्यूशन का हिस्सा है। दुनिया को जब मैं कहता हूं कि हमारे पास 120 करोड़ लोगों का इतना डिटेल हमारे पास डेटा है, जगत के लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, ऐसी वेल्थ है हमारे पास, ये डिजिटल रिवॉल्यूशन का परिणाम है। हम जैम ट्रीटी शुरू की है भारत सरकार में, जैम ट्रीटी के द्वारा आधार, मोबाइल, जनधन, कोई भी सामान्य व्यक्ति सरकार को कोई सामान बेचना चाहता है, गांव गरीब होगा, वो ऑनलाइन आएगा, बेच सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आज इतनी भांति भांति एप्स अवेलेबल है और कई तो बहुत बिना खर्च किए हैं, उसके कारण विद्यार्थी नई नई शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऐप के माध्यम से बाप के कुछ होमवर्क कर ले। शायद हो सकता है एक समय ऐसा आएगा कि जो ट्यूशन और कोचिंग क्लासेस की दुनिया ही खत्म हो सकती है, इतनी ताकत ये डिजिटल इंडिया में है। डिजिटल वर्ल्ड ने गवर्नेंस में बहुत बड़ा रोल किया है, ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत बड़ी ताकत डिजिटल वर्ल्ड की है, अने एक प्रकार से शिक्षा नहीं समग्र जीवन व्यवस्था में एक प्रकार से डिजिटल वर्ल्ड हमारे शरीर का एक नया हिस्सा बन गया है, हम उसके बिना जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति बन गई है। और इसलिए इसका प्रभाव हम उसका सही उपयोग कैसे करें, अधिकतम लोगों के कल्याण के लिए कैसे उपयोग करें, इस पर अगर हम बल देंगे तो ये डिजिटल पावर एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हमारे सामान्य। दूसरा, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन, हम गरीब से गरीब व्यक्ति तक दूर सुदूर पहाड़ों में जंगलों में लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, डिजिटल कनेक्टिविटी उसके लिए बहुत बड़ा रोल कर सकती है। और मैं देख रहा हूं कि बहुत नौजवान वर्चुअल लैब के द्वारा आज बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं और वैसे ही वो पढ़ पाते हैं जैसे एक्चुअली लैब में जाकर के उन्होंने काम किया, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। 3D प्रोजेक्शन के कारण आज विद्यार्थी अगर उसको हार्ट के संबंध में पढ़ना है, पहले टीचर कितना ही समझाते थे, आज अगर 3D उसको दिखा दें तो तुरंत उसको समझ आ जाता है, हाँ हार्ट ऐसे काम करता है, और बच्चा उसको रिसेप्टिव होता है। मैंने एक बार जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने एक छोटा सा सर्वे करवाया था कि मध्यान्ह भोजन योजना के तहत प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल में क्या इम्पैक्ट होता है, और वहाँ पर अगर हम डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम बनाएं तो क्या फर्क होता है। कुछ स्कूलें थी जहाँ स्मार्ट क्लासरूम बनाया था, कुछ स्कूल थी जहाँ स्मार्ट क्लासरूम नहीं था, मध्याह्न भोजन पर बल था। स्मार्ट क्लासरूम थे वहाँ भी मध्याह्न भोजन था, ठीक। अनुभव आया कि स्मार्ट क्लासरूम ने बच्चों को ऐसा आकर्षित किया था, झुग्गी झोपड़ी के बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनको बड़ा मजा आता था सीखने का, आकर के बैठ जाते थे, उनको मध्याह्न भोजन की परवाह नहीं थी।
वो मध्यान्ह भोजन के लिए उनको खींच खींच के ले जाना पड़ता था, जबकि जहां मध्यान्ह भोजन था वहां पर उतनी बड़ी मात्रा में संख्या नहीं आती थी, वहां भी मध्यान्ह भोजन की रुचि नहीं थी, लेकिन स्मार्ट क्लास नहीं होने के कारण वो जाकर के बैठने में रुचि नहीं लेता था। अब ये जो प्रभाव है वो डिजिटल वर्ल्ड का है और आने वाले दिनों में हायर एजुकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। थैंक यू। माननीय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से गौरव आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। गौरव। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम गौरव है और मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणा से हूँ। सर, इट पेन्स अस टू सी पॉवर्टी इन आवर कंट्री। वी हैव सीन योर एफर्ट्स टू रिमूव पॉवर्टी इन आवर कंट्री। डू यू थिंक वी कैन बिकम पॉवर्टी फ्री इन योर फ्यूचर? हमारे देश में गरीबी को देखकर बहुत दर्द होता है। गरीबी को दूर करने के आपके प्रयासों को हमने देखा है, क्या आपको लगता है कि निकट भविष्य में हमारा देश गरीबी मुक्त बन सकता है? माननीय, कृपया बताएं। अगर देश तय कर ले कि हमें गरीबी से मुक्त होना है तो दुनिया की कोई ताकत हमें गरीब नहीं रख सकती है। 125 करोड़ देशवासियों में इतना सामर्थ्य है, अगर उस हमारे नेचुरल रिसोर्सेस, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेस, इसका अगर हम सही ढंग से प्लान करके आगे बढ़े, गरीबी से मुक्ति पाना मुश्किल नहीं है। मैं 4.5 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, इन दिनों दुनिया में दो चीज़ें उभर करके आई हैं। एक, दुनिया में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी में भारत नंबर एक है, ये कोई भी भारतीय को गर्व होगा। दूसरा, यूएन समेत बहुत बड़ी इंटरनेशनल एजेंसी का कहना है कि विश्व में भारत पहले नंबर पर है जो तेज गति से गरीबी से बाहर निकल रहा है। बहुत तेज जैसे न्यू मिडिल क्लास का बल्क बढ़ रहा है, और उसमें यह भी उन्होंने कहा है कि भारत का शेड्यूल कास्ट के लोग और भारत के मुसलमान, ये दो लोग इसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी हैं, वो सबसे तेज गति से गरीबी से बाहर आ रहे हैं। अब किसी ने सोचा था, अब महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आजादी और स्वच्छता दोनों में से मुझे एक पसंद करना होगा तो मैं पहले स्वच्छता पसंद करूंगा। गांधी जी ने बहुत प्रयास किए, आजादी का आंदोलन भी चल रहा था, स्वच्छता के लिए भी बात चलती थी। आजाद होने के बाद हम उस काम को आसानी से आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन वो चलता है, कोई अगर कर ले तो कर ले, न करे तो न करे। मैंने लाल किले से आह्वान किया, देश को आग्रह किया, और यह देश अपने प्रयत्नों से स्वच्छता के विषय में आज तेज गति से संतोषजनक से आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर, मैंने हमारे अफसर यहां बैठे हैं, अनंतनाग में थे पहले, शायद वो स्वच्छता का इनाम मेरे हाथ से ले गए थे। बहुत बड़ा काम किया था जी, बहुत बड़ा काम किया था, और भारत के देश के लोगों को बड़ा गर्व हुआ था। अब इतना बड़ा काम, आज ओपन डेफिकेशन फ्री जम्मू कश्मीर का होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब 2014 में हम आए तो हमारे देश में रूरल सैनिटेशन 38% था, आज वो 98% है। ये सिर्फ सरकार के कारण हुआ, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। एक बार देश की जनता ठान लेती है कैसे परिणाम लाती है, ला पाए हैं। इस देश ने तय किया, देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण बहुत लंबे प्रोसेस से हुआ था, लेकिन खाते नहीं खुलते थे गरीबों के। हमने तय किया हर गरीब का खाता खुलना चाहिए। आज हिंदुस्तान में 2014 में 40% लोगों के बैंक अकाउंट थे, आज करीब करीब 100% बैंक अकाउंट है। हमारे देश में कुल 25-26 करोड़ परिवार है, और मुझे प्राथमिक हिसाब शुरू में मोटा मोटा बताया गया था, क्योंकि राज्य जो आंकड़े देते थे, करीब 4 करोड़ परिवार ऐसे होंगे जहां बिजली नहीं है। हमने बीड़ा उठाया है,
हर घर में बिजली होनी चाहिए और मुझे खुशी है कि आज जम्मू कश्मीर ने इस काम को पूरा कर दिया है। यानी एक बार हमारा देश तय करे कि भाई इस समस्या से निकलना है, निकलेंगे इस समस्या ने। अब जम्मू कश्मीर ने एक सपना देखा है कि वो टैप वाटर घरों तक देंगे, ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन मुझे विश्वास है जम्मू कश्मीर की टोली एक करके रहेगी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी इसको भी अचीव करके रहेगी। हमारे देश में हमने बस तय करना है, हमने गरीबी से लड़ना है, हमें और गरीबी से लड़ने का तरीका रेवड़ी बांटने से नहीं होता है, गरीब को एम्पावर करना होता है, उसका सशक्तिकरण करना होता है, उसके भीतर गरीबी को परास्त करने का एक यानी एक प्रकार से मिजाज भर देना पड़ता है। और मुझे लगता है कि वो अगर बीजी की स्वभाव उसमें पैदा कर सकते हैं तो वो करेगा। जब हम आवास देते हैं, शिक्षा देते हैं, आयुष्मान भारत योजना से हेल्थ की बात करते हैं, तो गरीब को भी लगता है कि अब हाँ मेरे दिन आ चुके हैं, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मेरे माँ बाप गरीबी में जिंदगी गुजारी, मैं अपने बच्चों को जिंदगी में गरीबी में जीने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। ये मैं वातावरण देख रहा हूँ और जिन दिशा में हम चल रहे हैं बहुत तेजी से गरीबी घटती चली जाएगी, गरीबी से मुक्ति मिलती चली जाएगी। और वो दिन होगा जब हम लोगों ने जीवित रहते हुए अपनी आंखों से देखा होगा कि देश गरीबी से मुक्त हुआ है। धन्यवाद माननीय। आज देश को बदला हुआ देखकर आज का जो यूथ है वो बहुत ही ज्यादा उत्साहित है। माननीय अंकिता कुंडू हैं जो उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से है, आपसे कुछ कहना चाहती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं अंकिता कुंडू उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा से हूँ। हमारे यहाँ अनेक हेरिटेज साइट्स और शानदार बीच हैं। कई बार मेरा मन करता है कि मैं यहाँ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए कुछ करूँ, लेकिन फिर कुछ समझ नहीं आता। आपके राय में हम किस तरह से एजुकेशन को टूरिज्म के साथ जोड़कर उड़ीसा के लिए कुछ कर सकते हैं? धन्यवाद माननीय। एक तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपकी शिक्षा का एक प्रभाव जो मैं देख रहा हूँ आप में, कि आप उड़ीसा की ताकत को जानती है और आप उसको कैसे उपयोग किया जाए इस पर सोच रही हैं। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ पंखे चल रहे हैं, श्रीनगर वालों को अचरज होता होगा। ये बात सही है कि हमारे देश में टूरिज्म का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमने टूरिज्म के संबंध में कुछ उदासीनता बरती। टूरिज्म की एक पहली शर्त होती है कि आपको अपने चीजों पर गर्व करना सीखना पड़ता है। अगर हमारी आदत हो जाए हमारा तो सब बेकार है, नहीं नहीं वो कुछ नहीं है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, तो अगर हम नहीं देखेंगे उसका गर्व नहीं करें तो दुनिया क्यों आएगी भाई। आपने देखा हो दुनिया में जहाँ भी टूरिज्म बढ़ा है एक छोटा सा खंभा भी होगा तो गाइड लेकर के ले जाएगा और ऐसी ऐसी उसकी कथा सुनाएगा, ऐसा गौरवगान करेगा कि हमको लगता है हाँ यही कुछ है। और हम हाँ बना होगा यार, अरे छोड़ो यार सब पैसे बर्बाद करते हैं। देखिए टूरिज्म दुनिया की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर इकोनॉमी का कोई सेक्टर है तो टूरिज्म है। ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियन डॉलर्स का बिजनेस टूरिज्म का बढ़ रहा है और बढ़ने वाला है। दुनिया को मुझे बराबर यहां मैं बहुत साल पहले अमेरिकन गवर्नमेंट के निमंत्रण से एक बार यूएस गया था, तो वो आइटनरी पूछते हैं आपके इंटरेस्ट क्या है, तो मैंने जो लिख करके भेजा पता नहीं मेरे जैसा कोई आंसर पहले बिला रही होगा। मैंने उनको कहा मुझे गांव में जाके आपके यहाँ खेती की पद्धति क्या है वो देखना है, दूसरा मैंने कहा मुझे बिल्कुल ठेठ गांव की कोई स्कूल है तो वो देखनी है, तीसरा मैंने कहा कि गांव के अंदर जो महल सेक्टर है बिल्कुल गांव का जहाँ छोटी बस्ती रहती वो मुझे देखना है, और चौथा मैंने कहा अमेरिका की सबसे पुरातन कोई चीज़ हो जिसके लिए अमेरिका गर्व करता है वो मुझे देखनी है। तो बाकी जगह पर सब जगह पर मुझे उन्होंने दिखाया, लेकिन जब पुराने चीज में क्या दिखाया तो पेंशन वेलिया में एक घंट है, मुझे ले गए वहां देखने को, एक घंट लटकता था। मैंने कहा कितना पुराना है, बोले ये 400 साल पुराना होगा।
बस ये हमारा सबसे पुराना है। अब हमारे यहाँ किसी गली में जाओ साहब बताएगा ये 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना, कितनी महान परंपरा हमारे पास है। लेकिन हमने इसका जितना जज्बे के साथ करना चाहिए नहीं किया है। टूरिज्म बहुत रोजी रोटी देता है। अब आप देखिए उड़ीसा इतना रिचनेस है, इतनी रिचनेस है, वहां के बीच देखिए, वहां के स्थापत्य देखिए, कोणार्क देख लीजिए, टेक्नोलॉजी भी की दृष्टि से भी, इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी वो एक नयापन है। उसको पता है उस रचनाकार को 2000 साल पुराना है। हम अपने आप में ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। हमें टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये बात सही है कि पिछले कुछ समय से टूरिज्म बहुत बढ़ा हमारे देश में। पहले करीब 70 लाख टूरिस्ट आते थे, इस वर्ष 1 करोड़ टूरिस्ट आए हैं विदेश के। पहले करीब 18 बिलियन डॉलर ये टूरिस्ट जो आते थे उनसे हमें विदेशी मुद्रा मिलती थी, वो इस बार 27 बिलियन पर पहुंची है, यानी 50% वृद्धि हुई है। तो टूरिस्ट आने लगे हैं, भारत का आकर्षण बढ़ा है। लेकिन स्वच्छता उसमें बहुत बड़ी ताकत देगी, नागरिकों का स्वभाव भी टूरिस्ट को स्वीकार करने वाला बना है। और आप जो विद्यार्थी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रूसा से जुड़ने वाले हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ने वाले हैं, मैं मानता हूं उबेर के लाइन पर आप नौजवान एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं टूरिज्म का। उबेर के लाइन पर कौन परिवार होम स्टे देना चाहते हैं उस पर हो, कोई भी व्यक्ति आप एक ऐसी ऐप बना सकते हैं कि अगर वो भारत में टूरिस्ट के नाते आ सकता है तो अपने घर से निकल करके अपने घर पहुंचने तक आप उबेर की तरह पूरा एक मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, आउटसोर्स करके, क्लाउड सोर्सिंग करके आप दुनिया को जोड़ सकते हैं। और मैं चैलेंज देता हूं आज नौजवानों को कि उबेर की तरह देश भर में कौन होम स्टे देने वाले हैं, आप होम स्टे में हिंदुस्तान में आपको आज जितनी होटलों के कमरे हैं ना इससे 10 गुना ज्यादा कमरे नए मिल जाएंगे। मैंने अभी बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम किया, मैं काशी का एमपी हूं, लोगों से मैंने कहा और मैं हैरान था जी, हजारों की तादाद में लोग आए कि विदेश के मेहमान को हम एक कमरा देंगे हमारे घर में। अब ये धीरे धीरे काशी का होम स्टे का एक बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो जाएगा, उनको आदत हो गई। हम भी होम स्टे आज पूरी दुनिया में पॉपुलर है। अगर हम ऐसी उबेर जैसी ऐप बना करके इस बात को, और मैं चाहूंगा मेरे सामने इतने सारे नौजवान हैं टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए नौजवान हैं, आइए आप मैदान में आइए, उबेर से भी आप आगे जाएंगे ये मैं विश्वास देता हूं आपको। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी आप गुजरात से ही हैं और इस वक्त हम गुजरात ही चल रहे हैं। विजय कुमार फ्रॉम एमएन कॉलेज विसनगर गुजरात से आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं। विजय। माननीय प्रधानमंत्री श्री नमस्कार, मैं विजय कुमार एमएन कॉलेज विसनगर गुजरात से बोल रहा हूँ। सर जब से बजट आया है मैं चारों ओर किसानों के बारे में जो योजना लागू की गई है उसकी चर्चा सुन रहा हूँ। वाकई में कोई सोच नहीं सकता कि किसानों के बारे में इतनी बड़ी योजना लागू की जाएगी। और सर मैंने ये भी सुना है कि आपने पश्चिम बंगाल में यह कहा कि अगले 10 सालों में सरकार किसानों के लिए 7,50,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। सर मेरा प्रश्न यह है कि सरकार इतने पैसे लाएगी कहाँ से? धन्यवाद। आप विरोध पक्ष की अखबार पढ़ते लगते हैं। खैर आप मेरे गांव के पड़ोसी हैं, मेरा गांव वडनगर है, आप इस नगर के हैं, बिल्कुल बगल में ही हम दोनों का गांव है, वहीं से आप बोल रहे हैं। मुझे खुशी हुई कि मैं श्रीनगर से अपने गांव को भी याद ताज़ा कर रहा हूं अभी। ये बात सही है कि जिस इलाके से आप हैं वहां किसानों को बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत किल्लत है, एक प्रकार से सूखा इलाका है, और वहीं से आप बोल रहे हैं क्योंकि मैं वहाँ से पैदा वहीं हुआ हूँ तो मुझे पता है बहुत दिक्कत वाली वो जगह है। देखिए हमारे देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दुर्भाग्य यह है भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था 1 रुपया निकलता है 15 पैसा पहुंचता है। अब फायदा यह है कि रुपया निकलता है पूरा 100 पैसा पहुंचता है।
सबसे बड़ा कारण यह है। दूसरा, जब आप पाई पाई का सही उपयोग करते हैं तो जो टैक्स पेयर होते हैं उसको भी ईमानदारी से टैक्स पे करने का मन करता है, क्योंकि वो देखता है कि मेरे पैसों का सही उपयोग होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, मैंने देश के लोगों को कहा कि आपको गैस की सब्सिडी की जरूरत नहीं तो छोड़ दीजिए ना, कोई कानून नहीं बनाया था, रिक्वेस्ट की थी। और मेरे देश के 125 करोड़ परिवारों ने गैस सब्सिडी छोड़ दी, उसका परिणाम है कि 125 करोड़ गरीबों को गैस पहुंच गया, अब काम हो गया। इतनी ताकत है। मैंने अभी रेलवे में सीनियर सिटीजन को रेलवे टिकट में कंसेशन मिलता है, सब्सिडी मिलती है, तो ऐसे मैंने कहा फॉर्म में लिखो तो सही कि भाई मैं सब्सिडी सरेंडर करना चाहता हूं। कोई अपील नहीं की, मैंने कभी भी अपील नहीं की है, किसी अखबार में भी नहीं छपा है। अगर फॉर्म भर करके मैंने देखा, इस देश में 42 लाख ऐसे पैसेंजर निकले जिन्होंने सब्सिडी छोड़ दी, रेलवे को पूरा पैसा दिया, अपना हक छोड़ दिया। पैसे ऐसे आते हैं, अगर एक बार ईमानदारी का माहौल बनता है तो लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। पैसों के कारण कोई रुकावट कभी नहीं आती है। आज हम अनुभव कर रहे हैं कि देश बहुत तेजी से $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक रहस्य बता दूं, ये आपके जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो कभी प्रधानमंत्री कार्यालय में काम करते थे, पहले वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ काम करते थे, फिर मैं आया तो मैं भी उनको छोड़ नहीं रहा था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया था कि साहब आज आप भाषण करने जा रहे हो, आप बताओ हमारा देश $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। 2 साल पहले सुब्रमण्यम ने मुझे बताया था, वो विचार मेरे मन में रहा और आज मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन के रहेगा, हमारे आंखों के सामने बन के रहेगा। और इसलिए पैसों की कोई कमी नहीं होती है, सही इस्तेमाल। और आपने सही कहा, आने वाले 10 साल में जो हमने जो कल योजना इस बजट में की है, किसानों को 10 साल में 7.5 लाख करोड़ रुपया उनके जेब में जाएगा जी, वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने की ताकत वाला बन जाएगा। और मुझे विश्वास है कि इस योजना से देश का किसान एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आपको उन्होंने सुना, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए और राष्ट्र को नई रोशनी देने के लिए। अपने आप को देश का प्रधान सेवक मानने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा में जी जान से जुटे हुए